जी नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कपिल, मेरी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम आए हैं सेक्टर 20 यमुना एक्सप्रेसवे। सेक्टर 20 का वो एरिया मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आज काफ़ी क्लाइंट्स की कॉल आ रही थी, काफ़ी क्लाइंट्स बोल रहे थे कि जो कनाल है, कनाल का क्या महत्व है, कनाल गंदे पानी की तो नहीं है, इस तरीके की क्वेरी कस्टमरों की थी। तो वो मैं आपको एक बार वो डेवलपमेंट भी दिखाता हूँ कनाल का भी, और उसके अपोजिट में कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन कौन से ब्लॉक हैं, वो आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, इन्फॉर्मेशन है इसमें काफ़ी। तो ये आप जो राइट साइड में मेरे देख रहे हैं, ये है कनाल, ये कनाल है, गंग नहर है ये, और ये दोनों साइड में आप देखें, ये क्लीनिंग का इसका काम चल रहा है, आगे क्लीनिंग का उधर काम चल रहा है। जस्ट इस कनाल के अपोजिट साइड में सेक्टर 20 की एफ पॉकेट है। इस कनाल के जस्ट अपोजिट साइड में 300 मीटर की एफ पॉकेट है, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रोड देख रहे हैं, ये कनाल के साथ साथ जाने वाली रोड है। जस्ट उसके बराबर में ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीन बेल्ट है। ऐसे ही ग्रीन बेल्ट कनाल के उस साइड में है ब्लॉक शुरू होने से पहले, फिर 45 मीटर की रोड है, फिर ग्रीन बेल्ट है, फिर कनाल है, फिर ये रोड है, फिर उसके बाद ये ग्रीन बेल्ट है। तो ये डेवलपमेंट है कनाल की साइड का, और कनाल गंग नहर है ये, प्रॉपर साफ पानी की नहर है। यहाँ पहले इसको यूज किया जाता था यहाँ की खेती के लिए, और फिर उसके बाद जब प्राधिकरण ने खेती मुआवजा देके अपने अंडर कर लिए, तो अब इसका यूज जहाँ पे अभी मुआवजा नहीं दिया है उसके लिए यहाँ से पानी जाता है और आगे इसका यूज होता है। तो साथियों अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ एक बार लेआउट पे कि मैं किस लोकेशन में हूँ। मैं एक बार लेआउट पे आपको दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये लेआउट है, ये सीधा आप ग्रेटर नोएडा से आ रहे हैं, आने के बाद ये फर्स्ट एंट्री सेक्टर 18 की है। अगर आप 18 जाना चाहते हैं यहाँ से एंट्री करें, उसके बाद दूसरी एंट्री सेक्टर 20 की है, 18-20 दोनों की, जिसे 100 मीटर रोड बोला गया है। आप 100 मीटर रोड लेके यहाँ से एंट्री करके अंदर भी आ सकते हैं इसमें, और अगर आप यहाँ से नहीं आ सकते हैं तो यहाँ से आप एंट्री करके यहाँ से ऐसे करके भी इसको कनाल को क्रॉस करके आ सकते हैं। ये है कनाल, अभी जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं वो ये पॉइंट है, यहाँ इसके कनाल के इधर एफ पॉकेट है और इधर एम पॉकेट है। तो मैं आपको एम पॉकेट के एरिया में जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक बार दिखा देता हूँ डीपली, आइए मेरे साथ। ये कनाल के साथ साथ चलने वाली रोड है, जस्ट उसके बराबर में ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीन बेल्ट है, ये ग्रीन बेल्ट रहेगी हमेशा के लिए। ये इन्होंने प्रॉपर ग्रीन बेल्ट बनाई है, अभी यहाँ से लेके सीधा ये फिल्म सिटी के लिए जा रही है कनाल के साथ साथ। ये जैसे जैसे कनाल जा रही है, कनाल के साथ साथ ये ग्रीन बेल्ट जा रही है, ग्रीन बेल्ट के साथ में आगे ये यहाँ से इसको कवर्ड कर दिया है। उसके बाद ये 9 मीटर की रोड बनाई है इन्होंने, ये 9 मीटर की रोड है, आप इसको देखें, ये प्रॉपर इसके साथ साथ ये रोड आ रही है। एक रोड वो हो गई, उसके बाद ग्रीन बेल्ट है, फिर रोड है, फिर उसके बाद आगे दिखाता हूँ आपको मैं। ये 45 मीटर की रोड है, सीधी टू साइड रोड है, ये 45 मीटर की रोड है, सीधा फिल्म सिटी जा रही है, और फिल्म सिटी सीधी कनेक्टिविटी है इसकी। इस रोड के माध्यम से आप सारे बड़े साइज में जा सकते हैं, और आप डायरेक्ट फिल्म सिटी वाली 60 मीटर रोड पे जा सकते हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये लोकेशन है हमारी, हमारे जस्ट पीछे ये 24 मीटर रोड जा रही है एम पॉकेट की। 24 मीटर के लेफ्ट साइड में के ब्लॉक बनता है और राइट साइड में एम पॉकेट बनती है। तो मैं आपको डिटेल में अभी समझाऊंगा, आप आइए मेरे साथ। ये 45 मीटर की ही रोड है, जस्ट उसके बराबर में फिर वो 9 मीटर की रोड है, और फिर उसके बाद प्लॉटिंग है। तो मैंने जो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि आप ये देखें कनाल से लेके और रेजिडेंस तक कितना डिस्टेंस है। कनाल आपकी वहां दूर दराज में है, और उसके बाद पहले एक रोड है, फिर ग्रीन बेल्ट है, फिर रोड है, फिर 45 मीटर की रोड है, फिर 9 मीटर की रोड है, फिर आपका प्लॉटिंग है। तो कितने डिस्टेंस पे कनाल, और कनाल भी गंग नहर की है, तो इतने डिस्टेंस को आप ये माने कि आप काफ़ी एरिया आपको खाली मिल रहा है, और यहाँ पे इन्वेस्ट करने में संकोच ना करें, ये बहुत अच्छी लोकेशन बनेगी फ्यूचर में। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये 24 मीटर की रोड जा रही है जो एम ब्लॉक और के को डिवाइड कर रही है। तो इधर एम ब्लॉक है और इधर के ब्लॉक है,
तो मेरे काफी कस्टमर्स का कॉल आ रहा था कि के ब्लॉक का डेवलपमेंट दिखाएं हमें, तो अभी हम के ब्लॉक का डेवलपमेंट आपको दिखाते हैं। आप के ब्लॉक को जरा डीपली देखिए। ये जो 24 मीटर रोड है, 24 मीटर रोड के इधर आप देख रहे हैं प्रॉपर प्लॉटिंग हो रखी है, डेवलपमेंट हो चुका है। प्रॉपर मार्किंग के लिए इन्होंने पोल भी खड़े कर दिए हैं। और इधर ये देखें आप, ये के ब्लॉक है। तो आज की स्थिति के ब्लॉक की ये है, ये फ्रंट साइड रोड के सीवर डाल दिए इन्होंने, ये जो देख रहे हैं आप, ये फ्रंट साइड के हैं ये। उसके बाद ये स्थिति है के ब्लॉक की, ये के ब्लॉक है। आप दूर दूर तक देख लें, ये जैसे जैसे आपकी नजर जाएगी ये सारा के ब्लॉक है। के ब्लॉक के अंदर आप ये माने कि 30% काम हो गया है, और जिनको लीज के लेटर पहुंच गए हैं वहां वहां काम हो गया है, जहां लेटर अभी नहीं पहुंचे हैं वहां भी कुछ काम नहीं हुआ है। तो साथियों ये स्थिति है के ब्लॉक की। अब हम थोड़ा सा डीपली आपको ये बताते हैं कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है। ये यमुना एक्सप्रेसवे का कनाल के राइट साइड वाला एरिया है, और ये लास्ट पॉकेट आती है के पॉकेट। तो अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो यहाँ आज की स्थिति ये है, यहाँ आपको कम से कम प्लॉट मिलने में अभी 2 से 3 साल लग जाएंगे, उसके बाद आपको लीज के लिए भी 3 साल का समय मिल जाएगा। तो अगर आप इधर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लंबा समय चाहिए तो के ब्लॉक को लीजिए, और अगर आपको तुरंत इन्वेस्ट करके तुरंत मकान बनाना है तो आप यहाँ के जस्ट बराबर में एम ब्लॉक है, ओ ब्लॉक है, एफ है, जी है, तो इस तरीके का डेवलपमेंट अभी यहाँ का है। मैंने आपको कनाल भी दिखा दी, 45 मीटर रोड भी दिखा दी, 24 मीटर रोड भी दिखा दी। अगर आप यमुना एक्सप्रेस वे पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप गुरुदेव रियल इस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को अप्रोच करें। गुरुदेव रियल इस्टेट डे बाय डे आपको ग्राउंड की नॉलेज देती रहेगी, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप खुद से भी गुरुदेव रियल इस्टेट को कॉल करके पूछ सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आपकी क्वेरी को फुलफिल किया जाएगा। साथियों मेरा कंपनी का जो ऑफिस है वो यमुना अथॉरिटी के जस्ट बराबर में है। आप कभी भी यमुना अथॉरिटी किसी काम से आते हैं तो आप हमारी कंपनी से आके एक बार संपर्क करें, अपनी प्लॉट की सेल वैल्यू का पता करें। अगर आपको प्लॉट परचेज करना है तो मार्केट वैल्यू आज की क्या है आपके प्लॉट की, आप परचेज करने के लिए भी पता कर सकते हैं। इस तरीके के डेवलपमेंट की वीडियोज हम भेजते रहेंगे, और अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पे किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक बार गुरुदेव रियल इस्टेट को जरूर अप्रोच करें। काफी एक्सपर्ट लोग गुरुदेव रियल इस्टेट के पास में हैं और आपकी अच्छी जगह इन्वेस्ट करवाएंगे। और अगर आपका यहाँ पे कोई भी क्वेरी हो तो भी आप गुरुदेव रियल इस्टेट को अप्रोच कर सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज हमने दिखाया आपको के ब्लॉक का डेवलपमेंट प्लस कनाल का डेवलपमेंट प्लस उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको। तो हमारे कंपनी के 2 नंबर हैं, 9873442971, ये नंबर मिस्टर नरेंद्र यादव जी देखते हैं। मेरा नंबर है 9667519002, मेरा नाम कपिल यादव है। हमारे दोनों नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको फ्री कंसल्टिंग दी जाती है। अभी हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। चलते हैं दोस्तों, नमस्कार साथियों।